क्रैक विद्युत जामवाल की जो मूवी थिएटर में रिलीज हुई है उस मूवी के बारे में कोई ये बात ही नहीं कर रहा है जो कि मैंने नोटिस किया है और सबके लिए जो ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो चलो इसी बारे में बात होगी। सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात होने वाली है कि क्या क्रैक मूवी आपका टाइम वेस्ट करने वाली है या आपका पैसा वसूल करने वाली है। सो शुरू करने से पहले चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। देखो इस मूवी को अगर इन शॉर्ट में आपको बताना हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि लक नाम की एक मूवी आई थी जिसमें संजय दत्त, डैनी और साथ ही साथ इमरान खान थे जो कि आमिर खान के भांजा है, आई होप कि काफी लोगों को याद होगा। उस मूवी में श्रुति हसन और रवि किशन भी थे। तो ये एक मूवी थी जहाँ पे लक का गेम चलता है और यहाँ पे गेम खेलवाया जाता है। दूसरा एक वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम था स्क्विड गेम। और तीसरा भाई एक टीवी शो है कलर्स पे आता है और वो है खतरों के खिलाड़ी। इन तीनों को मिला करके एक जबरदस्त कंटेंट बनाने का आइडिया लेकर के चले हैं तो वो ये क्रैक के मेकर्स है। और देखो विद्युत जामवाल के खुद के पैसे लगे हुए हैं, विद्युत जामवाल का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, 100 करोड़ के लगभग इसका बजट है। और अब जो है ये मूवी रिलीज हो गई है, ये मूवी में एग्जैक्टली क्या दिखाया जा रहा है देखो एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, लक मूवी से उठा करके कहानी यहाँ पे चेप दिया गया है। हाँ कहानी हीरो की नहीं हीरोइन की थी, जहाँ पे श्रुति हसन की बहन आती है लक गेम के अंदर में और वहाँ पे जाकर के कहीं पे हारती है और उसकी डेथ हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जीतेगा तो जिएगा, हारे तो गेम के साथ साथ आप भी खत्म, पैसा जो है शायद आपके घर वाले को मिल जाए या फिर कभी ना मिले। ठीक उसी तरह से क्रैक मूवी में दिखाया जाता है कि जो हीरो का भाई है वो पैसा बनाने के लिए आता है इस इलीगल गेम के अंदर में और उसके बाद से जो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद से विद्युत जामवाल की एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद जो है भाई वो गेम पे गेम खेलना शुरू करता है। गेम को खिलाने वाला इस फिल्म के अंदर में है अर्जुन रामपाल और लक फिल्म में थे अपने संजू बाबा। संजू बाबा एक ऐसे मूसा भाई थे जिसका लक हमेशा काम करता है और आखिरी दाव उसी के साथ चलना है। तो भाई यहाँ पे भी कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट पे दिखाया जाता है स्टोरी। बाकी का अगर आपको जानना हो तो भाई जाकर के थिएटर में पूरी कहानी देखो और मजे लो अगर आप विद्युत जामवाल के फैन हो तो। इसके अलावा अगर आप नौरा फतेही की वजह से जा रहे हो अपनी ठरक को सेटिस्फाई करने के लिए तो भाई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। जिस तरह से मैडम को बुज के अंदर में यूज किया गया था कि आई और गई हो जाती है, बिल्कुल यहाँ पे भी ये मैडम ना अपनी एक्टिंग स्किल दिखा पाती है और ना ही इनका कुछ खास यूज होता है। एमी जैक्सन की अगर बात की जाए तो मैंने इनको लास्ट टाइम देखा था आई मूवी के अंदर में, उससे पहले जो है एक अक्षय कुमार की मूवी थी उसमें देख लिया था, तो भाई अच्छी लगी खूबसूरत लगी। लेकिन यहाँ पे जो है उनकी हिंदी एक्सेंट एज यूजुअल जैसा रहता है वैसे ही दिखाया गया है। बहुत सारे लोगों को लगा कि वो जानबूझ के कर रही है, उनका एक्सेंट ही है वैसा है। अब बात की जाए कि इस फिल्म का मेन जो हाईलाइट है वो है एक्शन एंड स्टंट, तो वो कैसा है तो देखो भाई इस मामले में टॉप नॉच लेवल का है और विद्युत जामवाल वहां पे जो है अपना पूरा का पूरा दमखम लगा चुके हैं और जिसको देखने के बाद आप बोलोगे कि हाँ अगर मुझे सिर्फ यही देखना था तो इसके हिसाब से मेरा पैसा तो वसूल हो चुका है। सो वहां पे आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। इसके अलावा अगर डायरेक्शन और स्टोरी की बात की जाए तो काम और ज्यादा किया जा सकता था, लेकिन जिन भी लोगों ने ये तीन कंटेंट नहीं देखा है जैसे कि स्क्विड गेम हो गया या फिर खतरों के खिलाड़ी और एक बहुत पुरानी मूवी जिसका नाम है लक जिसमें इमरान खान हीरो थे, अगर नहीं देखा है तो भाई ये मूवी आप देख सकते हो। वैसे मैं शर्त लगा सकता हूँ लक मूवी अपने टाइम पे फ्लॉप हुई थी, लेकिन अगर आप इस मूवी का एक बेहतर वर्जन देखना चाहते हो तो लक जाकर के देख सकते हो, YouTube में फ्री में अवेलेबल है और आपको हर एक का परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच, बैकग्राउंड म्यूजिक, डायरेक्शन, हर एक चीज एकदम कड़क मिलेगा। तो भाई आपके ऊपर में, बाय द वे आज के दिन में 99 में सारी मूवीज आ रही है तो सारे शोज खचाखच भरे हुए हैं। हो सकता है इसका फर्स्ट डे कलेक्शन आपको एकदम तगड़ा सा सुनाई दे, लेकिन सेकंड थर्ड डे या फिर नेक्स्ट वीक में जाकर के इसकी असली ऑडियंस का पावर का पता चलेगा कि क्या होता है इस फिल्म का। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर द क्रैक मूवी, व्हाट्स योर टेक? आपने देखा तो बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी है। विद्युत जामवाल के स्टंट या फिर बॉडी बिल्डिंग को लेकर के आपका क्या क्रेज है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।